हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला चैंपियनशिप का मैच, जो कि होने जा रहा है ब्लैकबर्न रोवर्स और स्वांसी सिटी के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है ईवुड पार्क, जो कि ब्लैकबर्न रोवर्स का घर है। तो आज के मैच में ब्लैकबर्न रोवर्स आपके लिए होम टीम होने वाली है। 24 टीमों की टेबल होती है इंग्लिश चैंपियनशिप में, और यहाँ पर आपको ब्लैकबर्न रोवर्स 15th और स्वांसी सिटी 3rd पोजीशन पर दिखेगी। स्वांसी सिटी आपको पता ही होगा, ये पिछले टाइमों में ये इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं, तो इसीलिए कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर टीम है। ब्लैकबर्न रोवर्स बहुत साल पहले वो हुआ करते थे प्रीमियर लीग में, लेकिन रिसेंटली ये इसी बीच में ही रहते हैं या फिर इससे भी नीचे रिलीगेटेड हो जाते हैं, ऐसे ही इनके साथ चलता है। तो क्या है कि चैम्पियनशिप के मैचेस हैं, मतलब इंग्लिश लीग का ये दूसरा डिवीज़न होता है, तो ऑफकोर्स जितने आप नीचे जाएंगे, मतलब समझ लीजिए 24 टीमों की टेबल होती है, तो अगर हम 12th से आखिरी बार की जो टीमें होंगी उनके पास आपको ज़्यादा जो है कंसिस्टेंसी की उम्मीद आप नहीं रख सकेंगे। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे जो टीमें टॉप 10 के भीतर हैं और जो टीम टॉप 10 के बाहर है उनके बीच में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है, लेकिन रिजल्ट का जो है वहाँ पर कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। अगर मैं आपको थॉरली ले जाऊँ स्वांसी सिटी के मैचेस में, क्योंकि ये 3rd प्लेस की टीम है, तो आपको दिखेगा कि इन्होंने भी बहुत बढ़िया कुछ फुटबॉल नहीं खेला है, लेकिन रिजल्ट इनके सपोर्ट में गया है। चाहे वो जैसे भी हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से उन्होंने जो है गोल हासिल करा ही है और रिजल्ट अपने सपोर्ट में वो ले आए हैं, जो कि जो बाकी टीम्स हैं जो कि इनसे नीचे वाले वाली टीमें हैं वो नहीं ला पाए हैं। तो क्या समझाना चाहता हूँ मैं, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा जब हम मैच की एनालिसिस करेंगे। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं यहाँ पे। एक कुछ प्लेयर्स की बात करें जो आज के मैच में नहीं खेलने वाले हैं, इनमें से हॉल्ट भी, आयाला ये और एडम आर्मस्ट्रांग, ये ब्लैकबर्न रोवर्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। एडम आर्मस्ट्रांग तो इस सीजन में बहुत सारे गोल्स कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 19 गोल उन्होंने करा है, और ऑफकोर्स ब्लैकबर्न रोवर्स के ये हाईएस्ट गोल स्कोरर भी चल रहे थे, और सीजन के फर्स्ट हाफ में ये जिस तरह के फॉर्म पर थे उसके ऊपर डिपेंड करके ब्लैकबर्न रोवर्स ने बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करा था। लेकिन जैसे जैसे ये भी इंजरी के चलते बाहर हो गए और बीच में बहुत सारे मैचेस में ये उतना अच्छा फॉर्म भी नहीं दिखा पाए थे, जिसके वजह से ब्लैकबर्न रोवर्स के जो मैचेस के रिजल्ट हैं उनके सपोर्ट में नहीं गए हैं। और ये जो 15th पोजीशन देख रहे हैं ना, ये नीचे आते आते यहाँ पर आए हैं, नहीं तो कुछ मैचेस पहले तक ये टॉप 10 के भीतर ही थे। स्वांसी सिटी कंपैरेटिवली शुरुआत से ही बेटर कर रहे हैं। इनके तरफ से जॉर्डन मॉरिस आपको आज के मैच में नहीं खेलते रहेंगे, वेन रूटलेज जो बहुत दिनों से स्वांसी सिटी से होकर खेल रहे हैं, रायन बेनेट, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट टीम फुटबॉल के पार्ट हुआ करते थे। आखिरी जो हेड टू मैच हुआ था यहाँ पर स्वांसी सिटी ने, जैसा आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, क्लीनली हरा दिया था 2-0 गोल से। दोनों टीमों के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ वगैरह नहीं है स्वांसी सिटी के पास, लेकिन दोनों ही टीमों के पास एक एक कंसिस्टेंट गोल स्कोरर हैं जो कि एट द एंड ऑफ द सीजन भी आपको लीडर बोर्ड के आसपास जो है दिख जाते हैं। एक है आंद्रे आयु, जो कि आपको स्वांसी सिटी की तरफ से देखने को मिलते हैं, और ब्लैकबर्न की तरफ से आर्मस्ट्रांग हालांकि यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन ये भी बहुत ही बढ़िया स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस सीजन में। क्या हुआ था इस मैच पर, अगर आप नोटिस करेंगे तो स्वांसी सिटी का जो मिडफील्ड है यहाँ पर कुछ प्लेयर्स खेलते हैं जिनके पास डिफेंसिव क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर खेल रहे थे फुलटन और स्मिथ, लेकिन अभी ये नाम जो है बदल गए हैं, ये कुछ और प्लेयर्स खेलते हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं या फिर आप विंग बैक्स कह लो, कॉनर रॉबर्ट्स और यहाँ पर बिडवेल भी खेलते हैं या फिर रायन मैनिंग भी खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑपरेट करते हैं ये। रायन मैनिंग मेरे ख्याल से पिछले सीजन में QPR में खेलते थे, इनकी डिफेंसिव क्वालिटी इतनी अच्छी है, स्पेशली रायन मैनिंग का ओवरलैपिंग भी ये बहुत ही अच्छा जाते हैं, सेंट्रली डिफेंसिवली ही ये ज़्यादा काम वगैरह करते हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ आपको अटैकिंग मूव्स वगैरह बनते हुए नहीं दिखता है। और इनके जो स्ट्राइकर्स हैं इनमें से आंद्रे आयु कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, रेगुलरली गोल के आसपास ही आपको घूमते दिखते हैं, ऐसा नहीं बहुत बढ़िया कुछ कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से ये गोल ज़रूर निकाल लेते हैं। अगर आप इनके डिफेंस में देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे नफ्टन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आज के मैच में नहीं, नफ्टन खेलेंगे, नफ्टन देखेंगे, कबांगो देखेंगे और गुए ही यहाँ पर खेल रहे थे। इनमें से कबांगो, इनकी पासिंग सेंस बहुत ही अच्छी है और सेट पीस में ये कभी कभार इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी उन्होंने सेट पीस से गोल करा हुआ था। जितना मुझे समझ में आया है कि स्वांसी सिटी बहुत बड़ी कुछ अटैकिंग टीम नहीं है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि 24 टीमों की टेबल में तीसरे स्थान पर है, लेकिन बहुत बड़ा ये कोई अटैकिंग टीम नहीं है, एक या दो गोल करके उसी से उनका जो काम हो जाता है, मतलब बहुत बड़ी डिफेंसिव टीम भी ये नहीं है, लेकिन बैलेंस जो है इनकी टीम में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एक कंसिस्टेंट गोल स्कोरर है, डिफेंसिव मिडफील्ड में 2-3 प्लेयर्स हैं, और उसके बाद ठीक ठाक बैलेंस रख के ही जो है मैच को निकाल लेते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं, हम आगे जब मैं आपको मैचेस दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। और अगर हम ब्लैकबर्न की तरफ से बात करें तो डिफेंसिवली ब्लैकबर्न मुझे बहुत ख़राब टीम नज़र नहीं आई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनके अटैकिंग थर्ड में कुछ खास पेनिट्रेशन वगैरह नहीं है, स्पेशली आर्मस्ट्रांग के अनअवेलेबल होने के बाद।
ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये कहीं से गोल कंसीड कर लेते हैं, जितना भी अच्छा डिफेंस आपका क्यों ना हो, गोल आप कंसीड कर ही सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो उसके बाद ये अट्रैकिंग मूव से बनाने के जाते हैं और वहीं पे उनका उनका जो मिडफील्ड है वो एक्सपोज हो जाता है। इनके मिडफील्ड में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी है। यहाँ पर आपको दिख रहा है हॉल्ट भी खेल रहे थे, हॉल्ट भी एक समय था जो जर्मन लीग में खेलते थे और काफ़ी टैलेंटेड फुटबॉलर माने जाते थे, अब ये चैंपियनशिप में खेलते हैं। इसके सिवा ट्राइबुल आपको देखेंगे जो काफ़ी कंसिस्टेंट है, आज के मैच में खेलेंगे या नहीं ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कुछ हद तक मिडफील्ड को संभालते हैं, लेकिन इनकंसिस्टेंसी है और इनके मिडफील्ड की वजह से ही इनके डिफेंस के ऊपर एक एडेड प्रेशर हमेशा बना रहता है। अगर इनका मिडफील्ड सही से काम करे तो डिफेंस के ऊपर उतना प्रेशर बनता नहीं है, लेकिन मिडफील्ड क्योंकि थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट है तो इसलिए इश्यूज आते हैं। और यहाँ पर भी यही चीज़ हुआ था, मिडफील्ड में स्वानसी ने अच्छा काम करा था, वहाँ पर ब्लॉक कर दिया था ब्लैकबर्न को, और उसके बाद विंग बैक्स ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ऑपरेट करा था, एक गोल भी वहाँ से आए थे जो कि बनाया था कॉनर रॉबर्ट्स ने और एक गोल से पीछे आया था। तो अगर रिपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल डोमिनेशन आपको दिख जाएगा स्वास्थ्य की तरफ से, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हो, इन एवरी एरिया दे वेयर सुपीरियर। अटैक यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं था लेकिन उससे ज़्यादा कोई दिक्कत हुआ नहीं, कहीं ना कहीं से जैसे मैंने आपको बताया गोल ये ज़रूर हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर एक गोल सेट पीस से आया था और आखिरी मोमेंट पर आके आंद्रे ने भी गोल करा हुआ था। ब्लैकबर्न वे आर नॉट बैड डिफेंसिवली बट वेन इट कम टू क्रिएटिविटी दे फॉल बिहाइंड, क्योंकि मिडफील्ड इनके लिए उतना सपोर्टिव नहीं था इस मैच पर, पोजीशन ब्लैकबर्न के पास था। और ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है ब्लैकबर्न के मैचेस में, भले ही ये मैचेस जीत ना पाए लेकिन पोजीशन रखना ये काफ़ी पसंद करते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो कवांगो आपको दिख जाएंगे जो स्वांसी की तरफ से स्टेटिस्टिकली सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर है, उसके बाद ट्राइबुल विलियम्स और हॉल्टबी के यहाँ पर पासेस, क्योंकि आपको दिखा है कि पोजीशन जो था ब्लैकबर्न के पास था, तो ये जो सारे सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं या सेंट्रल डिफेंसिव प्लेयर्स हैं उन्होंने पासेस वगैरह निकाले। आयु और आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों टीमों के दोनों मेन स्ट्राइकर्स, उनके यहाँ पर शॉट्स ऑन टारगेट। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करते हैं तो ब्लैकबर्न रोवर्स ने आखिरी मैच पर ही बिलवाल को हराया था 2-0 गोल से। यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ जो है आपको समझ में आ जाएगी। इनकी अगर मैं डिफेंस की बात करूँ ना तो लेनिहान इनके डिफेंस में बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट एक फुटबॉलर है और ये सेट पीस में भी आपके ये काम पे आ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि गोल स्कोरर्स की कमी थोड़ी सी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर चलिए मिडफील्डर ने अच्छा काम करा था, ट्राइबुल पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया फुटबॉल ने खेला था और इनके ऊपर फिलहाल के लिए इनका मिडफील्ड बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कुछ प्लेयर्स के इंजर हो जाने के बाद, जिनमें से हॉल्ट भी शामिल है। तो यहाँ पर ट्राइबुल ने अच्छा फुटबॉल खेला था। इसके सिवाय भी अगर इनके जो अटैकर्स हैं ना, अगर मैं सही बताऊँ तो इनके अटैकर्स मुझे बुरे नहीं नजर आते हैं। यहाँ पर खेल रहे थे सैम गैलाघर, ब्रेडीटन, ये सारे जो अटैकर्स हैं ये दोनों स्पेशली जो नाम कर रहा हूँ, इसके सिवाय भी आपने देखा आर्मस्ट्रांग के बारे में, ये बहुत खराब अटैकर नहीं है और जहाँ जहाँ पे मौका मिलता है, जहाँ जहाँ पे मिडफील्ड को सपोर्ट कर देता है ये ज़रूर गोल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनका मिडफील्ड उतना कंसिस्टेंट नहीं है, तो मतलब जनरली कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं इनके अटैकर्स। लेकिन यहाँ पर मिडफील्ड ने सपोर्ट करा था और अटैकर्स में से गोल भी आए थे, जो गोल यहाँ पर सैम गैलाघर ने करा था। सामने वाली टीम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा खराब फुटबॉल उन्होंने नहीं खेला था डिफेंसिवली, लेकिन मिडफील्ड यहाँ पर बहुत ख़राब था और स्पेशली क्योंकि आप देख ही सकते हैं ब्लैकबर्न ने मिडफील्ड कंट्रोल किया था, तो इसीलिए वो वहाँ से कुछ नहीं कर पाए थे। तो रिपोर्ट की बात करें तो सॉलिड मिडफील्ड और इफेक्टिव डिफेंस के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करा और फिनिशिंग भी सही समय पर सही जगह पर उन्होंने करा था, मिडफील्ड फुली कंट्रोल्ड। ओपोनेंट यहाँ पर कुछ हद तक अच्छा नहीं कर पाई थी, पोजीशन भी नहीं रख पाए थे ब्लैकबर्न यहाँ पर। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो डॉगलस और ट्राइबुल के आपको यहाँ पर टैकलिंग वगैरह दिख जाएंगे। डॉगलस जो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि लेफ्ट बैक खेल रहे थे और ट्राइबुल के पासेस भी हैं और गैलाघर जिन्होंने गोल करा था उनके शॉट्स ऑन टारगेट। और रिसेंट जो हार से आना पर आता, रिसेंटली बहुत सारे मैचेस लगातार हारे थे ब्लैकबर्न, ये जो मिलवाल के अगेंस्ट में जीत है वो लगभग मेरे ख्याल से 5-6 मैच हारने के बाद उनको मिला था, तो मोमेंटम कुछ हद तक वापस पाई है ब्लैकबर्न की टीम, लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। तो जो भी हो रेडिंग के यहाँ अगेंस्ट में यहाँ पर हारना पड़ा था, डिफेंस यहाँ पर भी सही था लेकिन कहाँ पर प्रॉब्लम आई, मिडफील्ड। और आप जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइबुल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है मिडफील्ड और ट्राइबुल यहाँ पर बिल्कुल ही आउट ऑफ टर्न, पूरी तरह से आउट ऑफ टर्न नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ मिडफील्ड इनकंसिस्टेंट हो गया। मिडफील्ड जैसे इनकंसिस्टेंट हो गया, सप्लाई लाइन बंद हो गया अटैकर्स के पास, ठीक है, और गोल स्कोरिंग चांसेस भी नहीं बने। ऐसी बात नहीं है कि इनके अटैकर्स बहुत कुछ खराब कर रहे थे लेकिन सपोर्ट ही नहीं बना सही से, तो इसलिए गोल के रास्ते भी बंद हो गए और एक गोल से ही जो इनका काम निपट गया। तो ऑफुल परफॉर्मेंस मिडफील्ड अगेन टू बैड, और यही एक चीज़ इनके लिए इनकंसिस्टेंट हो रही है। जिस दिन मिडफील्ड सपोर्ट कर रहा है उस दिन इनका गेम बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जिस दिन मिडफील्ड सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उस दिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसा कि यहाँ पर भी आया था और ऊपर जो आपने हेड टू हेड मैच देखा वहाँ पर भी वही चीज़ हुआ था। डिफेंस फिर से बहुत बुरा नहीं था लेकिन लैक ऑफ अटैकिंग फायरपावर से हारना पड़ा। पोजीशन हालांकि यहाँ पर भी रखा था। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो इवांस आपको दिख जाएंगे, इस बार लेनिहान जिनका नाम मैंने आपको बताया सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं। ट्राइबुल ये पासेस के पॉइंट्स आपको ये कॉन्सिस्टेंटली देते रहते हैं, ट्राइबुल का ये एडवांटेज है आपके पास।
सैम एलियट शायद नाम है इनका, जो लिवरपूल से आए हैं और काफ़ी मतलब इम्प्रेस करा हुआ है। मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में आए थे सीज़न के, लेकिन बहुत ही बढ़िया फुटबॉल इन्होंने खेला हुआ है स्टेटिस्टिकली भी और ओवरऑल इनका जैसे। और जो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके जो अटैकर्स हैं उतने बुरे नहीं हैं, जिनमें से सैम गैलागर का नाम आपने देखा, ब्रेडीटन का नाम देखा, आर्मस्ट्रांग का नाम देखा, और एक और नाम आप ऐड कर लीजिए एलियट के रूप में, ये भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जितना मौका इनको मिला है उन्होंने अच्छा ही करा हुआ है, लेकिन वही बात है कि मिडफील्ड अगर सपोर्ट नहीं करे किसी भी गेम में तो आपके पास कितना भी सही अटैकर या डिफेंस लाइन की ना हो मैच में आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। और ब्रेडीटन का शॉट्स ऑन टारगेट, तो यह है कुछ हद तक आइडिया ब्लैकबर्न रॉबर्ट्स के बारे में। प्रॉब्लम यही है कि अगर आप मतलब डिफरेंशिएट करें इनका मिडफील्ड डिफेंस और अटैक, तो इनका डिफेंस सही है, बुरा नहीं है, अटैकर्स भी सही हैं, अगर मौके मिलते हैं, चांस मिलता है, अगर आप उनको सपोर्ट देते हैं मिडफील्ड से तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मिडफील्ड पे ही इनके लिए इश्यूज खड़े होते हैं। कंसिस्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बुरे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं। मेरे ख्याल से 6-7 मैचेस के बाद एक चीज उन्होंने दर्ज करा था मिलवाल के अगेंस्ट में, और वहाँ पर भी आपने देखा कि मिडफील्ड ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट करा था, लेकिन थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट, इसीलिए रिजल्ट जो है इनके सपोर्ट में नहीं जा रहे हैं रिसेंटली। अभी बात करते हैं स्वांसी सिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो हार उनको सहना पड़ा था ब्रिस्टल सिटी के अगेंस्ट में, मेरे ख्याल से आखिरी या सेकंड लास्ट मैच में ही वो हारे थे ब्रिस्टल सिटी के अगेंस्ट में। तो क्या हुआ था अगर आप नोटिस करेंगे तो जो मैंने आपको पहले बताया कि इनके पास बहुत ज़्यादा कोई बड़े बड़े गोल स्कोरर्स नहीं हैं आंद्रे आयू को छोड़ के, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर खल गई थी, आंद्रे आयू ने एक गोल करा पेनल्टी से, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी लेकिन और कोई सपोर्ट नहीं आया था। इनका जो मिडफील्ड है इतना बुरा नहीं है, स्पेशली डिफेंसिव यूनिट, जहां पर आपको ग्राइम्स दिख जाएंगे और हुड़ियाने पिछले सीजन में भी प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं, एस्टन विला के होकर ये खेलते थे। इनके जो दोनों विंग बैक्स हैं बिडवेल और कॉनर रॉबर्ट्स, इनका भी आपको ऑपरेशन जो है ठीक ठाक देखने को मिलता है, अटैक और डिफेंस में दोनों तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉनर रॉबर्ट्स थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग है दैन जो लेफ्ट बैक खेलते हैं बिडवेल हो या फिर मैनिंग हो, जो भी हो उनसे थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग मूव्स पे ज़्यादा आते हैं और कुछ गोल्स भी उन्होंने करे हुए हैं। सब कुछ सही था, लेकिन क्या हुआ कि फिनिशिंग की कमी, पॉजिटिव अटैकर्स की कमी, जिसके वजह से यहाँ पर मतलब उनको दिक्कत में आना पड़ा। और जब जब वो खुद अटैक पे जाते थे गोल करने के लिए, नीचे डिफेंस एक्सपोज हो जाता था, और इसीलिए वही चीज़ है। अगर आप सामने वाली टीम से देखेंगे तो इन्होंने भी बहुत बड़ा कुछ नहीं करा था, मिडफील्ड इनके हाथ में नहीं था, लेकिन डिफेंडिंग इन्होंने बहुत बड़ी करी थी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि स्वांसी का अटैक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खराब फुटबॉल खेला था, जिसके वजह से रिजल्ट जो है इनके सपोर्ट में नहीं गया। जो गोल्स आए थे उनमें से मेजोरिटी ऑफ द एक या दो गोल्स ऐसे पीस आया था। तो रिपोर्ट की बात करेंगे तो दो दे डिड नॉट प्ले टू बैड हेयर बट ऑफुल डिफेंस एंड लैक ऑफ कंट्रोल इन मिडफील्ड, जिस वजह से यहाँ पर वो जीत नहीं पाए। ऑपोनेंट ने बहुत ही अच्छा डिफेंस करा, या फिर अगर अपोजिट तरीके से बताएंगे तो यहाँ पर स्वांसी का अटैक बहुत ज़्यादा खराब था। फिनिशिंग नॉट अप टू द मार्क, जिस भी आपको बताने की कोशिश करी, ब्रिस्टल एटलीस्ट यूज देयर चांसेस दे गॉट। यहाँ पर शॉट्स ऑन टारगेट की भी अगर मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताऊँ तो मेरे ख्याल से स्वांसी का यहाँ पर 8 या 9 शॉट्स ऑन टारगेट था, या शॉट्स था ऑन टारगेट या फिर ऐसा कुछ था, जहाँ से एक गोल उन्होंने करा, लेकिन ब्रिस्टल का सिर्फ उससे हाफ शॉट्स ऑन टारगेट था जहाँ से उन्होंने 3 गोल हासिल करे। तो यही चीज़ है, लेफ्ट साइड से ज़्यादा इन्होंने हिट करने की कोशिश किया, लेफ्ट साइड मतलब आपको समझना पड़ेगा कॉनर रॉबर्ट्स के साइड से। कॉनर रॉबर्ट्स थोड़ा ज़्यादा अटैकिंगली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत उनके साइड से जो है टीमें हिट करने की कोशिश कर लेती है कभी कभार। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो ग्राइम्स, कवांगो और ग्वेही, जिनके आपको जो है पासेस वगैरह दिख जाएंगे, हुड़ियाने, लोए जो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देखिए 2 शॉट्स ऑन टारगेट लेकिन उनमें से एक भी गोल के अंदर नहीं ला पाए। और कवांगो हमेशा ही ये सेट पीस में इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी सेट पीस आता है कवांगो का नाम सबसे पहले आपको दिख जाता है स्वांसी की तरफ से। और रिसेंट जो जीत उन्होंने दर्ज करी मिडल्सब्रो के अगेंस्ट में, यहाँ पर भी हालांकि गोल उन्होंने कंसीड करा था, लेकिन चलिए जीत तो जीत ही होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से वही नाम आंद्रे आयू, जिनके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर भी जो है काम हो गया था। यहाँ पर क्या हुआ था, हुड़ियाने थोड़ा सा ज़्यादा अटैकिंग रोल पे आए थे, और ये पिछले सीजन में जब एस्टन विला के खेलते थे ना तब भी ये रोल हमने इनका नोटिस करा हुआ है। ये मिडफील्ड में खेलते हैं लेकिन अटैकिंग मेंटालिटी बहुत ही अच्छी है इनकी, तो यहाँ पर यही उन्होंने करा था। सिंगल स्ट्राइकर के साथ आए थे लेकिन अटैकिंग मिडफील्डर के 2 प्लेयर्स यहाँ पर रख दिए थे, तो उसका सपोर्ट थोड़ा बहुत मिला। मैनिंग यहाँ पर वापस आए थे और ये बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट फुटबॉलर रहे हैं, पिछले सीजन में भी अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, ये QPR के खेलते थे तो पिछले सीजन के चैंपियनशिप में भी ये बहुत ही कंसिस्टेंट फुटबॉलर नजर आए थे। और बहुत ही बढ़िया ओवरलैप एबिलिटी है इनका, क्रॉसिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छा है, डिफेंडिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, और इसी के ऊपर बेस करके ही इनको इस सीजन में साइन करा है स्वांसी ने। तो डिफेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था,
ठीक है, एक गोल यहाँ पर फिर भी कंसीड करना पड़ा था, लेकिन चलिए जैसे मैंने आपको बताया कि इनको पता है कि कैसे मैचेस जीतने हैं, बहुत बढ़िया फुटबॉल नहीं खेलने के बावजूद भी यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करी। दो गोल जो बने, एक उनमें से एक पेनल्टी से भी आया था और एक गोल आउट इन प्ले में। तो अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा फुटबॉल इन्होंने नहीं करा था, और ये इस मैच की बात नहीं है, ये पूरे सीजन में ही चल रहा है स्वांसी की तरफ से। यही एक डिफरेंस है अगर आप लीग टॉप में टीम की बात करेंगे स्वांसी के साथ, कि स्वांसी बहुत ज़्यादा बढ़िया फुटबॉल नहीं खेलती है कि एकदम ओपोनेंट को आउट क्लास कर दिया है, कोई चांस नहीं दिया, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो जीत जाते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। लेकिन हर बार ये ऐसा होता नहीं है, इसीलिए कभी कभार उनको हारना भी पड़ता है, जो आपने जो मैंने आपको पहला मैच दिखाया, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया फुटबॉल नहीं खेला था, लेकिन एक पेनल्टी मिल गया जहाँ से एक गोल हुआ और एक गोल ऑन प्ले से बस काम जो है उनका हो गया। सेंटर एरिया वॉज वेल एंड ट्रूली कंट्रोल। एक जो डिफरेंस है बेसिक ब्लैकबर्न और स्वांसी के बीच में वो है ये कि ब्लैकबर्न का मिडफील्ड बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन स्वांसी का है, भले ही डिफेंसिव रोल पे हो लेकिन है, ठीक है। और अगर आपका मिडफील्ड आपके कंट्रोल में होता है ना, चाहे वो डिफेंसिव तरीके से ही हो, तब भी आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैचेस के कंट्रोल होते हैं, जो कि स्वांसी रख पाती है, और इसीलिए जीत भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इनके हाथ में आ ही जाता है। डिफेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं था, लेकिन सामने वाली टीम की अटैकर्स भी मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब फुटबॉल उन्होंने खेला था, बहुत सारे चांसेस भी मिस किए थे, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आया। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो रायन मैनिंग को दिख जाएंगे टैकलिंग वगैरह विन करते हुए और आयू का शॉट्स ऑन टारगेट। तो यह है कुछ तक आइडिया स्वांसी के बारे में। बहुत ज़्यादा कोई क्रिएटिव फुटबॉलर इनके टीम में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस भी नहीं होता है इनका, लेकिन ये मैचेस जीतना जानते हैं कि कहाँ से आप मैच जीत सकते हैं, ये इनको पता है और ये जीतते भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो आप इनके टीम से मिस नहीं कर सकते, जैसे कि आंद्रे आयु मिसेबल प्लेयर नहीं है, हो सकता है पूरा 90 मिनट ये अच्छा नहीं खेले, लेकिन 90 प्लस एक्स्ट्रा मिनट जब भी मिलेगा वहाँ पर भी ये गोल कर सकते हैं, ये एबिलिटी भी इनके पास है, जो इस सीजन में उन्होंने करा भी हुआ है। इनके जितना विंग बैक्स हैं कॉनर रॉबर्ट, साथ में रायन मैनिंग या फिर जो भी साथ में खेले बिडवेल, वो भी काफ़ी अच्छा ऑपरेट करते हैं, और थोड़ा बहुत जो विंग का इस्तेमाल करती है स्वांसी सिटी उसमें इन दोनों का रोल आता है। इनके मिडफील्ड में ग्राइम्स और हुरिहाने डिफेंसिव रोल ही सही लेकिन ठीक ठाक निभाते हैं, हुरिहाने की अटैकिंग मेंटालिटी सही है, और इनके डिफेंडरों में से कावांगो आप इनको मिस नहीं कर सकते, डिफेंसिव क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मैं हाईली रेट नहीं करूँगा, लेकिन सेट पीस में हमेशा ही ये प्रायोरिटी रखते हैं, और यहाँ पर एक स्ट्रेंथ भी रहती है स्वांसी का कि सेट पीस में वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल नज़र आते हैं देन अदर टीम्स, ठीक है। तो ये सब कुछ देखने के बाद इस मैच से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। अभी क्या है कि स्वांसी का रिसेंट रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा इनके सपोर्ट में गया है, रैंकिंग भी इनका बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं तीसरे स्थान पर वो है, तीसरे सारी जनता क्या करेगी, स्वांसी के सपोर्ट में टीम बनाएगी, और हमारे पास भी ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है कि हम स्वांसी के सपोर्ट में टीम नहीं बनाएं, तो स्वांसी के सपोर्ट में ही हम टीम बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे जो अगर ब्लैकबर्न रॉबर्ट्स के सपोर्ट में जाता है तो हो सकता है वो अच्छा करें, तो उस पॉइंट के हिसाब से कुछ प्लेयर्स भले ही चार हो या पाँच हो इससे ज़्यादा नहीं, तो उन प्लेयर्स को हम ब्लैकबर्न रोवर्स की तरफ से भी रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सेट पीस टेकर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आर्मस्ट्रांग आप देखेंगे पेनल्टी फ्री की हर जगह पे ही आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के मैच में मोस्टली खेलेंगे नहीं, और उसके बाद हॉल्ट भी और डॉगलस ब्लैकबर्न रोवर्स की तरफ से, स्वांसी की तरफ से आयु हुरिहाने ग्राइम्स और ढांडा आपको दिख जाएंगे। स्टेटिस्टिकली बात करें तो आप देख सकते हैं डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड गोल स्कोरर का दोनों ही टीमों के तरफ से, आर्मस्ट्रांग कहाँ पे 19 गोल पे हैं, और यही जो मैंने आपको पहले बताया कि सीजन के शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फॉर्म पे चल रहे थे आर्मस्ट्रांग, लेकिन जैसे जैसे सीजन अंत होता आ रहा है ये उतने अच्छे फॉर्म पे नज़र नहीं आ रहे हैं, और इंजरी कंसर्न भी अभी आ चुका है, और उसके बाद एलियट स्वांसी की तरफ से आयु और लोए, असिस्ट के मामले में आपको एलियट का नाम जो है दिख जाएगा, और यहाँ से बिडवेल और कॉनर रॉबर्ट्स दोनों विंग बैक्स, तो आप समझ सकते हैं इनके टीम में विंग बैक्स का कितना अच्छा रोल रहता है स्वांसी की टीम में। अगर सब कुछ सही रहा था दोनों सही रहा तो दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। इनमें से जो जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ब्लैकबर्न रॉबर्ट्स की तरफ से ट्राइबुल, इनको मत छोड़ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज के मैच में ब्लैकबर्न रॉबर्ट्स की मिडफील्ड कैसी परफॉर्म करेगी, अगर अच्छा कर लेती है तो ट्राइबुल का वहाँ पर रोल आना पक्का है। अच्छा, उसके बाद इनके जो अटैकर्स हैं सेंट्रल स्ट्राइकर तरफ की, आप गैलाघर खेलेंगे तो गैलाघर आप ले सकते हो, यहाँ पर कॉनर रॉबर्ट्स के साइड से प्रेशर जो है बनाती है टीम्स, ठीक है। कॉनर रॉबर्ट्स अटैकिंग में काफ़ी सही फुटबॉलर है, लेकिन डिफेंसिव क्वालिटी में थोड़ा मुझे लगता है ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं, इसलिए इनके तरफ से प्रेशर बनता है। और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ब्लैकबर्न रॉबर्ट्स के जो अटैकर्स हैं ये बहुत बुरे नहीं हैं, भले ही
सपोर्ट मिले मिडफील्ड से, गोल कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन बहुत बुरे ये अटैकर्स नहीं है अगर हम इंडिविजुअल क्वालिटी की बात करेंगे। तो ब्रेडिटन का यहाँ पर आज के मैच में मौका मिल सकता है या फिर जो भी खेलें, अभी के लिए मुझे इतना समझ में आ रहा है ब्रेडिटन ही खेलेंगे। तो इस साइड मतलब कॉनर रॉबर्ट्स की साइड से जो भी खेलेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से आपके लिए हो गए चार प्लेयर्स, आंद्रे अयू पाँच, हुडी हने छठे प्लेयर हो गए आपके यहाँ से, डिफेंडरों में से कबांगो सातवें प्लेयर, यहाँ से लेनी हन आठ, डॉगलस को आपको लेना है क्योंकि ये सेट पीस भी ले सकते हैं नौ प्लेयर, दोनों गोलकीपरों में से वुडमैन मेरे लिए बेटर प्रायोरिटी होंगे दस यहाँ से हो गए, और बाकी इलेवन प्लेयर अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो एलियट को लेना पड़ेगा आपको, या फिर यहाँ पर अगर मैनिंग खेलते हैं तो मैनिंग का प्रायोरिटी हमेशा ही मेरे पास ज़्यादा होता है, और अगर मैनिंग नहीं खेलते हैं तो आप एलियट के साथ भी जा सकते हैं। यही कुछ 11-12 प्लेयर्स हैं जिनके भीतर हम जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर तो करने की आप एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते इस तरह के मैचेस में। तो यही कुछ चीज़ें हैं, अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। इससे पहले मैं टीम दिखाऊं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि इस मैच की फाइनल्स वन लीग की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पे मिलने वाली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके सिवा अगर आप सर्च करेंगे आप टेलीग्राम के सर्च बार पे @teams4win विदाउट स्पेस लिख के, तो 100,000 के ऊपर सब्सक्राइब वाला चैनल आपको दिख जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। यहाँ पर आपको ना सिर्फ फुटबॉल की बल्कि क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे गेम्स की भी टीम्स जो है मिलती रहती है। ठीक है, तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे जो प्लेइंग इलेवन मैंने आपको दिखाया हो सकता है उस हिसाब से ये टीम है, चेंजेस हो सकते हैं प्लेइंग इलेवन पर भी और टीम पे भी, तो वो अपडेटेड टीम जो होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर हो जाना। लेकिन अभी के लिए जो आपको मैं समझाना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर दोनों टीम गोल करेगी इसी हिसाब से जो है टीम बनाया है, और अगर नहीं भी करती है तो भी मेरे पास स्वांसी के ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंडर्स हैं, कवांगो मैंने रख दिया है जिनको मैं मिस नहीं कर सकता, मैनिंग अगर खेलते हैं तो मेरे को रखना है, अगर नहीं खेलेंगे तो सोचना पड़ेगा, दोनों गोलकीपर में से वुडमैन मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, और लेनी हन जो आपके लिए सेट पीस में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी प्लेयर्स की बात करेंगे तो कॉनर रॉबर्ट्स, हुडी हन है, यहाँ से हार्वी एलियट को साड़ी अंतर रखने वाली है, जो भी स्टैटिस्टिक्स देखेंगे ना इनको ज़रूर रखेंगे। ठीक है, तो हार्वी एलियट को मैं इनिशियली मिस नहीं कर रहा, उसके बाद आंद्रे आयू मस्ट हैव है, ब्रेडिटन का लॉजिक क्या है इनको सिलेक्ट करने का मैंने आपको बता दिया है, और सैम गलाघर क्योंकि आज के मैच में यही मेन अटैकर होने वाले हैं, वैसे तो अगर सैम गलाघर नहीं खेलते तो आर्मस्ट्रांग को आपको लेना पड़ता, इनका क्रेडिट भी हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन मोस्ट ऑफ ये खेलेंगे नहीं। कहाँ कहाँ पे आप चांस ले सकते हो, सैम गलाघर पे आप चांस ले सकते हो, हो सकता है थोड़ा कम जनता जो है इनके साथ जाए, अगर यहाँ पे आयु लोए ब्रेडिटन खेलाघर चारों ही खेलते हैं तो हो सकता है सैम गलाघर के साथ लोग कम जाएं क्योंकि इनका नाम थोड़ा नीचे है, और आपको पता ही होगा कि जिनका नाम ज़्यादा नीचे होता है उनको कम लोग सिलेक्ट करते हैं ड्रीम इलेवन पर। तो आपके पास जो ऑप्शंस होंगे यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ दिख तो नहीं रहा है, ग्राइम्स का एक ऑप्शन है, यहाँ ग्राइम्स डिफेंसिव चीज़ों की ही आपको पॉइंट देंगे लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। डिफेंडरों में से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसके न्याम्बे यहाँ पर है जो राइट बैक खेलते हैं ब्लैकबर्न रॉबर्ट्स की तरफ से, और सामने वाली टीम विंग से तो हिट करेगी तो इनके पास काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं डिफेंस करने के लिए। उसके बाद वे ही स्वांसी के डिफेंडर हैं, ब्रैंथवेट जो कि ब्लैकबर्न रॉबर्ट्स के सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं, डिफेंसिव क्वालिटी इनकी भी ठीक ठाक है, मैं बहुत ज़्यादा हाई रेटेड तो नहीं करूँगा, ठीक ठाक है, बस यही चीज़ है, मतलब ब्रैंथवेट और वार्टन में से कोई एक खेलते हैं तो आप रख सकते हो अगर आप चाहो तो, और तो मुझे यहाँ पर कुछ खास दिख नहीं रहा है अभी के लिए, जितना हमें समझ में आ रहा है उस हिसाब से ही ये टीम है जहाँ पर मैंने गलाघर को रखा हुआ था। कैप्टन भास्करन चॉइस की बात करें तो देखिए आयु के अलावा और कोई सेफेस्ट ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, सेफेस्ट मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए गोल स्कोरिंग थ्रेट प्रोवाइड करने वाले प्लेयर्स की ही बात कर रहा हूँ ऑफकोर्स। उसके बाद अगर आप वाइस कैप्टनसी की तरफ से जाना चाहते हो तो ब्रेडिटन अगर ये कॉनर रॉबर्ट्स के अगेंस्ट में खेलने आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन सकते हैं, और जैसे भी आपको मैंने वैसे अगर बताया कि ब्लैकबर्न रॉबर्ट्स के अटैकर्स इतने बुरे हैं नहीं जितना उनका रैंकिंग शो होता है। अच्छा, उसके बाद हार्वी एलियट का भी ऑप्शन है, स्टैटिस्टिक्स इनके बहुत ही बढ़िया हैं और काफ़ी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर माने जाते हैं, हालांकि उतना खास तो मैंने पेनिट्रेटिवली करते हुए नहीं देखा है, कुछ मैचों में गोल करा है इन्होंने लेकिन उतना ज़्यादा पेनिट्रेटिवली मैंने उन्हें कुछ करते हुए देखा नहीं है, और स्वांसी जैसी बड़ी टीम के अगर में कितना मौका मिलेगा ये भी एक बात है। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, और हुडी हने जिनको मुझे लगता है आज के मैच में काफ़ी ओपन स्पेस मिलने वाले हैं अगर सामने वाली टीम की जो मिडफील्ड है वो फिर से इनकंसिस्टेंट हो जाती है। तो आयु आपके लिए सेफेस्ट कैप्टन चॉइस, और यहाँ पे हार्वी एलियट, हुडी हने और ब्रेडिटन, ये तीन आपके पास ऑप्शंस हैं जो आपके लिए वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है,
तो यही कुछ चीज़ें हैं। बाकी ऑफ कोर्स देखिए, फॉर्मेशन में चेंज होगा, प्लेयर्स के पोजीशन में अदला बदली होगी, तो हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए यही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पर मस्ती ज्वाइन हो जाना। अगर राष्ट्रीय इस मैच की बल्कि और भी जितने मैचेस हम खेलेंगे उन सारे मैचेस की स्मॉल लीग की फुल टीम आपको चाहिए, तो तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।